चल यार चल उस बार चल दुनिया नहीं है बबल। एक्सक्यूज मी, आप कौन है और अंदर कैसे आए? आप कौन है? मैं खूबसूरत हूँ। और मैं महबूब। खूबसूरत मेरा नाम है। तो महबूब मेरा नाम है, अगर आपको पसंद नहीं आया तो बदल दूं। आप हैं कौन मिस्टर? मैं आपको नहीं जानती। मैं आपके लिए ना मिठाई लाया हूँ। मैं मिठाई नहीं खाती। क्यों, आपको शुगर है? ओह, लगता है आप किसी गलत घर में आ गए। नहीं नहीं, मुझे इसी घर में आना था। मैं आपका पड़ोसी हूँ, चार घर छोड़ के रहता हूँ। अभी मैंने नई गाड़ी ली है ना, तो उसी की मिठाई लेकर आया हूँ। ये ले। अच्छा, आपको कहीं भी जाना हो मेरी गाड़ी हाजिर है। मैं शादीशुदा हूँ। तो मैं तलाक करा दूंगा। क्या? मेरा मतलब है कि मैं तलाक कराने वाला वकील हूँ। आप जा सकते हैं। जी, फिर कब आऊँ? कभी नहीं, जाइए। कुड़ी नचती कमाल कगर दा बुरा हाल कतरी ना वर्गी चाल बिलो हाय बिलो हाय। कुड़ी नचती कमाल कगर दा बुरा हाल कतरी ना वर्गी चाल। क्या है मोमो, इतनी अच्छी फिल्म चल रही थी भाई। बस कर दी, प्रायोरिटी को देख देख के आपकी आंखों में मोतिया उतर आया है। मुमताज, मुमताज की आंखों में नहीं, आपकी आंखों में तिनवीर। ये ले मिठाई। मुबारक हो जानू, मुझे बता देती मैं ले आता मिठाई। जा गिर, जल्दी से मिर्चे लेकर आ। उम्मा जी, आप खूबसूरत को मिर्चे खिलाएंगी? चुप, मैं नसीन और बच्चे की नजर उतारूंगी। बच्चा? कौन सा बच्चा? अरे भाई, जिसके आने की खुशी में तुम मिठाई लेके आई हो। मैं ये मिठाई नहीं लाई, पड़ोसी लेकर आया है। वशे कफील पुत्र, ये पड़ोसी तेरे बच्चे की मिठाई क्यों बांट रहे? ओह गॉड, ये पड़ोसी देकर गया है क्योंकि नई गाड़ी ली है उसने। ये सब कुछ तुम्हारे पापा की वजह से हुआ खूबसूरत। तुम फिर मेरे पापा को बीच में लाए? अगर वो चाहते तो मुझे 30-40 लाख की गाड़ी दिलवा सकते थे। शट अप नबील। ओके जानू, चले माँ जी शुरू करें। डब्बा खोल के मिठाई खानी है। अच्छा, खोले मिठाई खिलाए। शाबाश ना, हेलो आप लोग सब, शाबाश शाबाश। भाई कितना प्यारा ब्यूटीफुल फ्लावर है। इतना प्यारा भैंसे का बच्चा, तू कौन है भैंसे के बच्चे? मैं सकूटा का बेटा मकूटा हूँ। मुझे काम बताओ, मैं क्या करूँ, मैं किसको खाऊं? बोलो क्या हुक्म है मेरी आखी। आंटी आप भाग क्यों रही हैं? हाँ, तू अंदर कैसे आ गया? क्योंकि मैं जिन हूँ। मसरत वकील, बाबर वकील, शमशीर, बाहर आओ बाहर आओ, बाबर बाहर आए, चंदी आए, सब लोग बाहर आओ। क्या बात है मोमो, क्यों चिल्ला रही हो भाई? क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? पुत्र, हमारे मिलान में ना एक बड़ा सा खौफनाक मकोड़ा आ गया। अरे तो इसमें ऐसी क्या बात है मोमो, जाहिर है लॉन में कीड़े मकोड़े तो होते हैं। नहीं नहीं हफीज, उस मकोड़े का मुंह ना आग से भी ज्यादा बड़ा था। मुमताज? नहीं, मुमताज का मुंह नहीं, उस मकोड़े का हफीज। मुझे काम बताओ, मैं क्या करूँ, मैं किसको खाऊं? ओ भाई तू कौन है? मैं सकूटा का बेटा मकूटा। मुझे काम बताओ, मैं क्या करूँ, मैं किसको खाऊं? तो एक काम कर भाई, तू महमूद साहब को खा जा, मैं देखता हूँ तू हजम कैसे करता है। ना पुत्र ना, इसने अगर इनको खा लिया तो खून थूक थूक के मर जाएगा। मुमताज तुम तो चुप करो। हाँ भाई, जिनके बच्चे, तू कहाँ से आया? मैं कई सालों से एक फूल में सो रहा था, वो भी बड़े सुकून से। तुम्हारी बीवी ने आके वो फूल तोड़ दिया और अब मैं आज से यही रहूंगा। बिल्कुल नहीं, यहाँ पहले ही बहुत लोग हैं जो मुफ्त में रह रहे हैं। अरे मैं इन लोगों की तरह मुफ्त खोरी नहीं करूंगा। और तुझे किसने कहा मुफ्त खोरी करते हैं? अरे भाई, बुलबुले को काफ भी चलता है, काम चोर नबील। जानू इसको तो सब पता है यार। हाँ, लेकिन हम कैसे मान लें कि तुम हमारी ख्वाहिशें पूरी करोगे? यहाँ तो कोई भी जिन आ जाए, हमारी कभी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं करता। अरे मैं कोई आम जिन नहीं हूँ, मैं सकूटा का बेटा मकूटा हूँ, मकूटा। मुझे काम बताओ, मैं क्या करूँ, मैं किसको खाऊं? अच्छा ठीक है, फिर सबसे पहले ना मैं अपनी ख्वाहिश बताता हूँ तुम्हें। नहीं, पहले मैं खाना खाऊंगा। आज घर में खाना नहीं पका। अरे इसकी फिक्र तुम लोग मत करो, चलो मेरे साथ। कहाँ गया? वो है, आओ आओ आओ।
मैंने बुलाया आप लोगों को यहाँ। बोलो क्या खाना पसंद करोगे? तुम खाना बनाओगे? बनाऊंगा नहीं, मंगवाऊंगा। ये देखो चिक चिक लू कुली चाको सन पेन गुलगुली गुलगुली गुलगुली। अरे यार मैं इंतजार क्या कर रहे हैं? चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। ओ चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। क्या हुक्म है मेरे आकाओ? एक काम करो, मुझे ना एक नई गाड़ी मंगवा दो। बस इतनी सी बात? ये लो अभी आ रही गाड़ी। चिक चिक लू कुली चाकू सर पे गुलगुली को गुलगुली को गुलगुली कर। ओ लो आ गई तुम्हारी गाड़ी। अरे भाई गाड़ी कहाँ है? ओ भाई टेबल पे थोड़ी रहूंगा, गाड़ी बाहर पार्किंग में खड़ी है। जाओ यार महमूद साहब, आप ना हम लोग अपनी गाड़ी पर अंडे डबल रोटी और धनिया लेने जाया करेंगे। अरे शक्ल देखिए तुमने अपनी कुतुकुन्ने। अपनी गाड़ी नहीं मेरी गाड़ी, मेरी गाड़ी है ये। माँ जी आप कुछ कह रहे हैं? हाँ कुछ 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 कुछ। माँ जी कुछ कहने का मतलब है उड़ने वाले सांप को कुछ कहें। सुने ना इफ्तिखार, अकील को ड्राइवर रख लेना, रात को वो गाड़ी धो भी दिया करेगा। माँ जी मुझे काम बताओ, मैं क्या करूँ, मैं किसको खाऊं, क्या हुक्म है मेरे आका? हो मकूटे मेरे छोटे से पटोटे, एक काम करो मेरा ना मुंह छोटा कर दो। जो काम अल्लाह मियां ने किया वो मैं कैसे कर सकता हूँ? बस कर दे महमूद साहब, आपके बड़े मुंह पे अच्छी खासी रेटिंग आ रही है, रहने दे, अब ये मेरी ख्वाहिश पूरी करेगा। नहीं नबील, अब मकूटे को मैं अपनी ख्वाहिश बताऊंगी। जानू तुम्हारी ख्वाहिश तो मैं पूरी करूंगा, मैं तुम्हें तलाक दूंगा। Shut up नबील, you all the shut up, the one I go to tell it। तू चल मेरे नाल मकूटे, आ चल। ओ माँ जी, ओ माँ जी, ओ माँ जी। आ जा, आ जा शार। मैं बता रही हूँ देख ली इनके बच्चे घर के बात नहीं जीनी करने। ओए किधर गायब हो गया तू? बात तुम मीस क्या हुक्म है मेरी आंटी? मकोड़े तू ना मुझे ढेर सारा वो ला दे। वो क्या? वही जो पीला पीला होता है। केला? नहीं केला नहीं, वो जो बड़ा चमकीला होता है। सूरज? नहीं नहीं नहीं, नहीं सूरज नहीं वो। ओफ तुम सोच रहा आंटी, तब तक मैं सोने जा रहा हूँ। हाँ हाँ सोना सोना, तू मुझे ना ढेर सारा सोना ला दे। बस इतनी सी बात? अभी देखो चिक चिक लू कुली चाको सर पे गुलगुली गु गुलगुली गु गुलगुली। इतने जेवरात तो मुझे कभी एहतशाम ने नहीं दिए। तेरी आंटी तुझ पे कुर्बान मकौड़े। ओए माँ जी इतने जेवर, देखना मैं कितनी अमीर हो गई हूँ कफील। नबील माँ जी। हाँ हाँ मैं कितनी नबील हो गई हूँ कफील। ओफ माँ जी, और चल मैं मकूटे मेरे कमरे में चल और मेरी ख्वाहिशें पूरी कर। ओए मुझे लगता है मेरे कमरे में चला गया, माँ जी ख्याल से रखिएगा ठीक है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नवीन ये यहाँ क्या कर रहे हो? मकूटा को मैंने बुलाया है। इतने प्यार से ना देखो खूबसूरत, तुम्हारे शोर की हट जाएगी। ओए तुम मेरे सामने मेरी बीवी से फ्री हो रहे हो? तो और क्या करूं, सारा दिन तो तुम घर पे पड़े रहते हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जिन। नबील तुम इस जिन से कह के किसी नौकरी पे क्यों नहीं लग जाते? खूबसूरत तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अब तो वक्त आया है मेरे करोड़पति बनने का और तुम अभी भी नौकरी की बात कर रही हो। चल भाई मकूटे मेरी ख्वाहिश पूरी कर। बोलो मेरे आका क्या हुक्म है? बस तुम एक काम करो, बस 30,00,000 रुपया मुझे कैश दे दो। बस इतनी सी बात? अभी देखो चिक चिक लू कुली चाकू जरबेन गुलगुली गु गुलगुली गु गुलगुली गु। थैंक यू थैंक यू। ओ चलो
कपिल, ये तो सचमुच तुम्हें 30 लाख रुपए दे गया यार। अरे जानू, ये तो कुछ भी नहीं है। तुम देखना, मुगूटे से मैं पैसे मंगवा कर इतना अमीर हो जाऊंगा कि पापा जी को अपने बंगले पे गार्ड रखूंगा। शायद तुम भूल रहे हो उनका कितना बड़ा नाम है। कोई मसला नहीं जानू, नाम बदल देंगे, शर्फू रख देंगे, कैसा रहेगा। शट अप नबील। और यू शट अप। एक अरबपति शौहर से बात करने के आदाब सीख लो। तुम भूल रहे हो नबील कि वो जिन मेरी ख्वाहिश भी पूरी कर सकता है। जानू, तुम जानती नहीं हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे नाम का टैटू बनवा लूं। नो जानू, अब तुम देखना ये दुनिया मेरे कदमों में होगी। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी पर उस बार निकलते हैं। यार बबल बनाए जलता जा, कोई जाए जाए जलता जा। और मेन गेट भी खोलना पड़ेगा। आप फिर आ गए? जी, वो मेरी गाड़ी चोरी हो गई है। तो मैं क्या करूं? आप पुलिस स्टेशन जाइए, यहाँ क्यों आए हैं? आपकी हमदर्दी जी। आप रुकें, मैं अपने शौहर को बुलाती हूँ, वो बहुत हमदर्द इंसान है। अब आप तो बुरा ही मान गए बाजी। बाजी? भाई मैं तो पड़ोसी होने का हक निभाने आया था ना, ये बताने आया था मोहल्ले में बहुत चोरियाँ हो रही हैं, आप लोग ही बच के रहिएगा। ठीक है, थैंक यू, खुदा हाफिज़, बाय। नाज़रीन, आजकल शहर में बड़ी पुरसरार चोरियां हो रही हैं। पुलिस समझने से कासिर है कि चोर चोरी कैसे कर रहा है। ना कोई सबूत, ना कोई निशान। शहर के मुख्तलिफ बैंकों में वक्फे से चोरियां जारी हैं। आखिर कौन है वो चोर? नबील, क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ? हाँ जानू, बिल्कुल सही सोच रही हो। हमारे पैसे यहाँ महफूज नहीं है, हमें अमेरिका सेटल हो जाना चाहिए। हाँ, बाहर पड़ोसी आया था, उसकी गाड़ी चोरी हो गई है। अरे भाई, तो नबीर उसे नई गाड़ी दिलवा देगा, इसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। वो जो मैं उसे नहीं दिलाऊंगा वो गाड़ी होगी। हाँ जी, उतर इन गरीबों को ना मुंह लगाने की जरूरत नहीं। हम ऐसा करते हैं, अमरीका जाके ना गोरे फकीरों को खराज बांटेंगे। हाँ, और मैं ना वहाँ पे गरीब फरंगी औरतों के लिए ना, जिनके पास कपड़े बहुत कम होते हैं, एक शेल्टर होम जो है वो खोल लूंगा। ज्यादा मोहम्मद बने तलावर महमूद। हाँ, ज्यादा महमूद ना बने। ओफो, आप लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे यार, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। हाँ, एक किला तुझे कैसे पता मेरे पेट में गड़बड़ है? वो मकोड़े ने ना पकौड़े मंगाए थे, वो मैंने खा लिए 4-6 किलो। चले महमूद साहब, हम मकूटे से ना 30-40 लाख और मंगवाते हैं। भाई, हम मोटरसाइकिल पे ही फेर रहे हैं और इन्होंने नई गाड़ी भी ले ली। वाह, कोई बाहर नहीं देख लिया, बेल पे हाथ ही रख के खड़ा हो गया गरीब बंदा। इतना पड़ेगा यहाँ नौकर, दरवाजा खोल। और ये सब क्या है माँ जी? माँ जी, मुझसे 15 साल बड़ा हो के मुझे माँ जी कहता है? 2 टीके मुंह पे लगवा के आऊंगी तो तेरी बेटी लगूंगी मैं। ये सामने गाड़ी किसकी खड़ी है? ओ अच्छा, अब मैं समझी, तू ड्राइवर की नौकरी के लिए आया है ना। मैं पुलिस वाला हूँ माँ जी। ना, हम पुलिस वाले को नौकरी पे नहीं रखेंगे। अरे मुझे नौकरी नहीं चाहिए। हाँ अच्छी बात है, वैसे भी हम ये गाड़ी ना खराब कर रहे हैं, बड़ा ट्रैफिक होता है सड़कों पे। मैं मसूद से कह के नया हेलीकॉप्टर लूंगी। हेलीकॉप्टर? तो और क्या,
हमें कौन सी पैसों की कमी है? ये जेवर मुझे देखा देखा सा लग रहा है। ये मेरा खानदानी जेवर है, खबरदार तूने इस पे नजर रखी हो तो। अच्छा मुझे अंदर तो आने दे, मुझे महमूद से मिलना है। कौन महमूद? आपके शोहर। ओहो तू तो इश्फाक से मिलने आए, तो पहले क्यों नहीं बताया था? आपसे पुरानी जान पहचान है तो हमने आपको अंदर आने दिया, वरना आजकल हम गरीब लोगों को मुंह ही नहीं लगाते भाई। ये बच्चा कौन है? ये महमूद साहब का बच्चा है जिनका गेटअप करके घूम रहा है। अभी पिछले हफ्ते तक तो नहीं था? ये आज ही हुआ है लट साहब। अम्मा जी का मतलब है आज ही लंदन से आया है? हाँ 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 बटू, अब महमूद साहब ने इसे गोद लिया है। अब्बा जी। अच्छा और ये ठाट बाट, ये गाड़ी दौलत, ये सब कैसे आया तुम्हारे पास भाई? अरे ये सब तो मेरे बच्चे के मुबारक कदमों का नतीजा है बटू। आपके तो आपके कदमों में भी दौलत का ढेर लगा दूं क्या? कंट्रोल कर कंट्रोल मकूटे। बट साहब छोड़े इसको, ये तो बच्चा है। आप बताएं आप कैसे आए? मैं तो तुम लोगों को खबरदार कर रहे हैं, आज सारा दिन शहर में बहुत चोरियां हुई है और तुम्हारे मोहल्ले से सबसे ज्यादा कंप्लेंट आई है। और यार मेरी बीवी का देवर भी चोरी हो गया। हम बट साहब आप जरा यहाँ बैठे, हम सब अभी आते हैं। नबील जरा सबको लेके मेरे साथ लॉन में आओ। ठीक है माँ जी, महमूद साहब मकूटे चलो आए लॉन में, हम ना बट साहब के लिए फल तोड़ के लाते हैं। आज वो आ रहे हैं बट साहब। यार इनकी लॉन में फल वाला दरख्त कौन सा है? इसको पकड़ के लेके जा रहे हैं, गायब हो जाता है ये। बड़ा वजन है इसका। चलो जल्दी से आ जा यहाँ बैठ। और खबरदार अगर तू गायब हुआ तो खबरदार। अच्छा जानू ये बताओ कि तुम हमें बाहर क्यों लेके आई हो? क्योंकि मुझे शक है कि बट साहब जिन चोरियों की बात कर रहे हैं वो सारी की सारी इस मकूटे ने की है। मकूटे ये बताओ ये सारा जेवर रुपया गाड़ी कहाँ से लेकर आए हो? तुम लोग आम खाओ गुटलियाँ मत गिनो। हाय किधर है मेरे हिस्से के आम? अरे मोमो तुम तो चुप करो यार, ये सोचो कि आगे क्या करना है। अब इससे तरबूज मंगवाई। ओए मकूटे तू हमारी ख्वाहिशात चोरियां कर करके पूरी कर रहा था? हाँ तो इतनी दौलत क्या मेरा बाप छोड़ के गया था तुम लोगों के लिए? नबील अब क्या करेंगे यार, बट साहब अंदर बैठे हैं और हमारा घर लूट के माल से भरा हुआ है। करना क्या है, हम बट साहब को सच सच बता देंगे। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं नहीं चाहता मैं दोबारा तुम्हारे पापा जी का मोहताज हो जाऊं। कफील बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये फरजाना तो चाहती नहीं कि हम इसके बाप से ज्यादा अमीर हो। बट साहब का क्या करेंगे नबील? यार महमूद साहब सोचे कुछ, जानू सोचो कुछ क्या करेंगे। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। ओ चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी भले, उस बार निकलते हैं यार। बबल बनाए जलता जा, कोई गाए जाए जलता जा। और बबल फुलाए चलता जा, कोई आए जाए जलता जा। खुश हो बशु पुत्र, वो खुल गया। सुबह से शहर में जो चोरी और डकैतियां हो रही थी उसके पीछे तुम लोगों का हाथ है? नहीं हमारा हाथ नहीं था, हमारा मकोड़ा था। मकोड़ा नहीं मकूटा बट साहब, ये सारी चोरियां इसी ने की हैं। क्या पागल समझा क्या, इतना छोटा बच्चा इतनी चोरियां कैसे कर सकता है? ओ बट साहब आप इसको हल्का न लें, बड़ा खतरनाक मुजरिम है ये। मैं तो एक नन्ना मुन्ना सा बच्चा हूँ बट मामू, इतनी सारी चोरियां मैं कैसे कर सकता हूँ? बट साहब इसकी मासूम शक्ल पे मत जाएं, यही चोर है, इसी ने चुराई है चीजें। आप इसे फौरन गिरफ्तार करें और सुने लूट का माल हम आधा आधा कर लेते हैं। चलो मैं तुझे गिरफ्तार करता हूँ। बट मामू आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। क्यों भाई? क्योंकि मैं सकूटा का बेटा मकूटा हूँ। मुझे काम बताओ मैं क्या करूँ, मैं किसको खाऊं? चक चकलू कुली चाकू सरबन गुली गुली गु। ओए सरबो बुलबुले वालो, ओए तुम जिन के बच्चे से डकैती और चोरियां करवा रहे थे, चलो थाने चलो।
चल यार चल उस बार चल दुनिया नहीं है बबल चल यार चल उस पार चल दुनिया नहीं है बबल ओ चल यार चल उस बार चल दुनिया नहीं है बबल चल बबल बन